Hello everyone, today we are doing another IELTS essay and our topic for today is some people think that parents should deal with their children's poor behavior while others believe it is the government's responsibility to regulate it. कुछ लोगों को लगता है कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की पुअर बिहेवियर के साथ डील करें लेकिन बाकियों को लगता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चों का बिहेवियर है वो रेगुलेटेड रहे. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. Give reasons for your answer and include any relevant examples. हमें दोनों views discuss करने हैं, अपना opinion देना है और अगर कोई relevant example है तो वो भी include करना है. Now, here is a sample answer for you guys. In today's society, the question of who should address children's poor behavior, parents or the government, remains a topic of debate. आज के society में ये सवाल कि बच्चे के पुअर बिहेवियर को किसे एड्रेस करना चाहिए, पेरेंट को या फिर गवर्नमेंट को, एक टॉपिक ऑफ डिबेट बना हुआ है. व्हाइल सम आर्ग्यू दैट पेरेंट्स होल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर्स कंटेंड दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू इंश्योर चिल्ड्रंस बिहेवियर इज रेगुलेटेड. आई विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स. जहाँ पर कुछ का मानना ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, वहीं पे बाकी लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना ज़रूरी है ताकि बच्चों का बिहेवियर रेगुलेटेड रहे. इसी चीज़ को डिटेल में मैं आने वाले पैराग्राफ्स में डिस्कस करने वाली हूँ. इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट पेरेंट्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स बिहेवियर. ये सबको पता है कि एक जो पेरेंट का रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है बच्चे के बिहेवियर को शेप करने में. From an early age, children look to their parents for guidance, learning values, norms, and acceptable social behavior through family interactions. एक बहुत ही early age से बच्चे अपने parents की तरफ देखते हैं values सीखने के लिए, norms सीखने के लिए और acceptable social behavior सीखने के लिए. Parents are responsible for instilling discipline and teaching their children to differentiate between right and wrong. पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए और उन्हें सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना सिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ पेरेंट हु एम्फसाइजेस रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड सेट्स क्लियर बाउंड्रीज इज लाइकली टू रेज चिल्ड्रन हु बिहेव अप्रोप्रिएटली इन सोसाइटी. एग्जाम्पल के लिए, एक ऐसा पेरेंट जो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट और क्लियर बाउंड्री सेट करने पर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो सोसाइटी में एक अप्रोप्रिएट मैनर में बिहेव करेंगे. मोर ओवर, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट फॉस्टर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड्स नीड. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी वजह से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनती है जिससे पेरेंट्स को पता लगता है कि बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं. अलाउिंग पेरेंट्स टू टेलर देयर अप्रोच बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड सर्कमस्टांसेस. जो पेरेंट्स को अलाउ करता है अपनी अप्रोच को टेलर करने के लिए, उसको ऑल्टर करने के लिए बच्चे की पर्सनालिटी और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग. ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सम आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल इन रेगुलेटिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर. कुछ को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है बच्चों के बिहेवियर को ठीक रखने के लिए, स्पेशली वेन पेरेंट्स फेल इन देयर ड्यूटीज. स्पेशली जब पेरेंट्स अपनी ड्यूटी करने में फेल हो जाएं. गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज स्कूल रूल्स और पब्लिक कैंपेंस कैन इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट मे नॉट बी कंसिस्टेंटली एड्रेस्ड एट होम. गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि स्कूल रूल्स और पब्लिक कैंपेंस स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन्फोर्स कर सकती हैं जो शायद कंसिस्टेंटली घर पर एड्रेस ना की जाती हूँ. फॉर इंस्टेंस, स्कूल्स ऑफन इम्प्लीमेंट anti-bullying programs or laws to protect children from harmful influences. Example के लिए जो schools हैं वो काफ़ी बार anti-bullying programs and ऐसे ऐसे laws implement करते हैं जो बच्चों को harmful influences से बचाते हैं. Furthermore, in extreme cases where parents neglect their responsibilities, child protection agencies step in to ensure that children are raised in a safe and healthy environment. एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट कर दें, चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज वहाँ पे स्टेप इन करती हैं जो कि मेक श्योर करती हैं कि जो बच्चे हैं वो एक सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो करें. इन कंक्लूजन, वाइल बोथ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट्स हैव रोल्स टू प्ले, कंक्लूड करने के लिए,
दोनों ही पेरेंट्स और गवर्नमेंट के अलग अलग रोल्स हैं. आई बिलीव दैट पेरेंट्स शुड बेयर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर. मेरा मानना ये है कि जो पेरेंट्स हैं ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के बिहेवियर को कैसे मैनेज कर रहे हैं. हाउएवर व्हेन पेरेंट्स फेल टू डू सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज क्रूशियल टू सेफगार्ड सोसाइटल वैल्यूज एंड इंश्योर चिल्ड्रंस वेलबींग. लेकिन जब पेरेंट्स अपना काम करने में फेल हो जाएं वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इंश्योर कर सके बच्चे के वेलबींग को. So guys, this was our essay for today. I hope you guys liked it and thank you for watching.